गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपको बताया गया है पिछले क्लास में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डेरिवेशन भी कराया गया है, अलग अलग चार्ज के वजह से, सिंगल चार्ज के वजह से बताया गया है, ग्रुप ऑफ चार्ज के वजह से बताया गया है, कंटिन्यूस बॉडी सिस्टम्स के वजह के कारण भी बताया गया है। अब आइए आप देखते हैं न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना कोई भी थ्योरी क्लियर नहीं हो पाता है। न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आप बना लेते हैं तभी समझिए कि आपको थ्योरी समझ में आ गया है। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस अ न्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 × 10^27 kg। बोला है कि एक न्यूट्रॉन है जिसका मास दिया हुआ है 3.2 × 10^-27 kg। तो इसका आपको निकालना क्या है, बैलेंस कर रहा है न्यूट्रॉन को, ठीक है ना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस ए न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो न्यूट्रॉन आप समझती हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, ठीक है, ये न्यूट्रॉन पार्टिकल है। और न्यूट्रॉन पार्टिकल का मास जो है आपका कितना होता है, मास आपका दिया हुआ है 3.2 × 10^-27 kg। और इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज जो होगा आपका वो होगा 1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक है। अब इसका मास जब दिया हुआ है तो इस पर वेट जो लगेगा mg लगेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, चार्ज हमको दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होगा तभी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट बैलेंस अ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो न्यूट्रॉन को बैलेंस करता है। इसका मतलब है कि इसमें एक फोर्स लग रहा है, जो ये फोर्स mg को बैलेंस करता है तभी जाके ये न्यूट्रॉन बैलेंस होगा। और F = कितना होगा, q × E। If न्यूट्रॉन इज इन बैलेंस्ड फॉर्म, अगर न्यूट्रॉन बैलेंस फॉर्म में होगा तो F नेट जो इस पर लगेगा वो कितना होगा, F नेट जीरो होगा। मतलब आप बोल सकते हैं F − mg जो होगा वो आपका जीरो होगा, मतलब F = कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा। यहाँ से F निकालिएगा, ये q E = mg हो जाएगा, मतलब यहाँ से आप E का वैल्यू निकालिएगा, mg / आपका q हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू निकालिएगा तो E का वैल्यू आ जाएगा mg/q। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है, 3.2 × 10^-27। g का वैल्यू आप नहीं दिया हुआ 9.8 ले सकते हैं, या 10 भी ले सकते हैं, 9.8 ले लीजिए। और q का वैल्यू आपका 1.6 × 10^-19 है, इसे ये कटेगा 2 times, ठीक है ना। इसे ये कट जाएगा 10^-8 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 10^-8, मतलब ये आपका हो जाएगा इतना न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका 19.6 × 10^-8 न्यूटन पर कूलम इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसके वजह से ये पार्टिकल जो होगा बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल्स है, आप इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्वेश्चंस को आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए पहले, जब आपसे नहीं बनता है तब जाके आप देखिए कि कैसे बनाया गया है क्वेश्चंस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आपको अपने से बनने लगेगा तभी समझिएगा आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है। सिर्फ क्लास करने से फिजिक्स समझ में नहीं आता, फिजिक्स समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस का आपका न्यूमेरिकल जब तक आप क्लियर नहीं करते तब तक आपका थ्योरिटिकल पार्ट आपका क्लियर नहीं होगा। इस तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन, अ स्मॉल बॉल ऑफ पेपर हैज मास, अ स्मॉल बॉल ऑफ पेपर हैज मास 9 × 10^-5 kg एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 µC। एक आपका बॉल है, अ स्मॉल बॉल ऑफ पेपर हैज मास, जिसका मास दिया हुआ है 9 × 10^-5 kg और चार्ज आपका दिया हुआ है एंड कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 µC, मतलब 5 × 10^-6 कूलम हो जाएगा। व्हेन इट इज हेल्ड ओवर अनदर चार्ज बॉल
ऑफ पेपर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर अबव इट, मतलब ये जो रखा गया है ये आपका एक दूसरे चार्ज बॉल के ऊपर रखा गया है, जो कितने दूरी पर रखा हुआ है, कितने हाइट पर, 2 सेंटीमीटर का हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर अबव इट एट द टू बॉल्स स्टे इन इक्विलिब्रियम, और दोनों बॉल क्या है, इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकेंड बॉल, सेकेंड बॉल पर चार्ज क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। ये फर्स्ट बॉल है, ये आपका सेकेंड बॉल है, इस पर चार्ज क्या होगा ये निकाल के बताना है। अगर ये बॉल जो है आपका इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है तो इस पर फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा, और इस बॉल पर एमजी लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना। ये बॉल ये क्या है, इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो एमजी को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है ना। सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ नेट जो होगा कोई भी बॉल पर अगर एफ नेट निकालेंगे तो जीरो होगा, मतलब एफ वन माइनस एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब एफ वन इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा आपका एफ वन, एफ वन का वैल्यू कितना होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा इसमें ये कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू एम जी है आपका, ठीक है ना। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपको निकालना क्या है, क्यू टू का वैल्यू, तो क्यू टू इक्वल टू हो जाएगा एम जी इंटू आर स्क्वायर बाई के इंटू क्यू वन, मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि क्यू टू का वैल्यू जो होगा आपका एम जी इंटू आर, वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पर। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁻⁵। जी का वैल्यू, जी का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से ले लीजिए, 9.8 या 10 भी ले सकते हैं। आर का वैल्यू, ये आर है, ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर, मतलब ये आपका हो गया 2 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर बाई के का वैल्यू 9 × 10⁹। क्यू वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर देंगे ये आपका क्यू टू का वैल्यू निकल जाएगा, मान लेते हैं एक्स आ गया या कुछ भी आ जाए, एक्स कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका चार्ज निकल गया, ठीक है ना, चार्ज ही निकालना था आपका, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको बार बार यही बात बता रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स बनाने का कोशिश अपने से कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आप अपने से बनाएंगे तो अभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। दूसरी बात, आप सारे लेक्चर्स को सिस्टमेटिक देखिए, क्लास वन से लेकर अभी तक जो भी क्लास हुआ है, क्लास 14 तक जो लेक्चर्स हुआ है उसको सिस्टमेटिक देखिए, उसको नोट्स बनाइए, उसमें और भी न्यूमेरिकल्स कराया गया उस न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स बनाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी आपसे बन जाता है तो एससी वर्मा बनाइए, एससी वर्मा बन जाता है तो और ऑब्जेक्टिव्स बुक्स है, टीएमएच है, अरिहंत है, सिंगेज है, कोई भी बुक्स आप ऑब्जेक्टिव लेके बनाइए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली बात कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, व्हेन अ टेस्ट चार्ज क्यू इक्वल टू 2 नैनोकूलम, एक टेस्ट चार्ज है जिसका चार्ज दिया हुआ है 2 नैनोकूलम, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ये रखा गया है कहाँ पर, ओरिजिन पर रखा गया है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 8 × 10⁻⁴ न्यूटन इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, इस पर जो फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ओरिजिन पर, यह आपको बताना है। व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन अ चार्ज −4 नैनोकूलम प्लेस एट द ओरिजिन, अगर ये 2 कूलम की जगह पर, 2 नैनोकूलम की जगह पर −4 नैनोकूलम रख दिया जाए तो फिर फोर्स क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब जैसे देखिए रेक्टेंगुलर सिस्टम आप समझते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हेन अ टेस्ट चार्ज क्यू, एक टेस्ट चार्ज क्यू है जिसको कहाँ रखा गया है, ओरिजिन पर रखा गया है, जो आपका 2 नैनोकूलम है, 2 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इस प्लेस एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर रखा गया है। इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लग रहा है, वो कितना लग रहा है आपका 8 × 10⁻⁴ न्यूटन,
वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन? तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ये आपको थ्योरी में बताया गया है. क्योंकि चार्ज क्या है? पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव रहता तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है क्यू ई. ठीक है, मतलब E का वैल्यू आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो पहले मैग्नीट्यूड निकालिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? F बाई क्यू. F का वैल्यू कितना है? F है आपका 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और Q का वैल्यू कितना है? तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9. इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम. ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है, अब माइनस 4 नैनो कूलम चार्ज इस पॉइंट पर जब रखा जाएगा, मतलब 2 नैनो कूलम की जगह माइनस 4 आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लीजिए. अब चार्ज का वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दीजिए. चार्ज का वैल्यू कितना हो गया आपका? माइनस 4 नैनो कूलम. जब माइनस 4 नैनो कूलम चार्ज लीजिएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम. ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा. ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आप फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे तो एफ इक्वल टू क्या होगा? एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू नॉट ई वैक्टर्स. ठीक है ना, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एफ वैक्टर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा, ये कितना है? माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर 5. ये सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आपका आ जाएगा न्यूटन. है ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि फोर्स का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड ही लीजिए, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए. तो फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है आपका, सिक्सटीन इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में लगेगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल जाएगा. इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन. 1 माइक्रोन समझते हैं, रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोन. 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, मतलब बहुत छोटा रेडियस है आपका. ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास, नहीं सॉरी, अ वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन इन मिलिकन आयल ड्रॉप एपरेटस इज फर्स्ट हेल्ड स्टेशनरी. मिलिकन आयल ड्रॉप एपरेटस में डाला गया है जो स्टेशनरी है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ऑफ इंटेंसिटी 5.1 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स डज इट कैरी? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन कैरी होगा, कितना इलेक्ट्रॉन है ये आपको निकाल के बताना है. तो मिलिकन आयल ड्रॉप एपरेटस क्या है? ये डिडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिडक्शन करता है. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मिलिकन आयल ड्रॉप्स, मतलब आयल ड्रॉप्स के जरिए पता किया जाता है कि चार्ज का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, जो आप निकालते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक है ना, तो वाटर ड्रॉपलेट, एक वाटर ड्रॉपलेट है आपका, दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट जिसका रेडियस दिया हुआ है. ठीक है ना, रेडियस आपको पता है, वाटर ड्रॉपलेट रेडियस 1 माइक्रोन इन मिलिकन आयल ड्रॉप एपरेटस इज फर्स्ट हेल्ड स्टेशनरी, रेस्ट में रखा हुआ है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ही हुआ है, मानना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5.1 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट कैरी, ये कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन कैरी करता है ये आपको बताना है. टेक ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जी का वैल्यू दिया हुआ है एंड डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया गया है आपका,
डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो इक्वल टू आपका दिया हुआ है 10^3 केजी पर मीटर क्यू, ठीक है ना। इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, ये ना होगा। स्फेरिकल होता है वाटर ड्रॉपलेट तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। तो मास यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है तो मास निकाल सकते हैं। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, अगर डेंसिटी और वॉल्यूम पता रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो मास हम निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, एम बाई रो, एम बाई वी। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो एम का वैल्यू आ जाएगा रो इंटू वी, ठीक है, यहाँ से आपका मास निकल जाएगा, है ना, मतलब रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब ये रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है या ऊपर, हाँ ऊपर ही की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रेस्ट में है। तो रेस्ट में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एम जी तो नीचे की तरफ लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तभी जाके इसको रेस्ट में लाएगा और एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू ई, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इफ़ वाटर ड्रॉपलेट इज इन स्टेशनरी मोड, अगर ये स्टेशनरी मोड में है देन कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो होगा इस पर एफ नेट वाटर ड्रॉपलेट पर वो कितना होगा, जीरो होगा, मतलब एफ माइनस एम जी इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी आ जाएगा, ठीक है ना। और फोर्स जो है आपका कितना है, क्यू ई, दिस इज इक्वल टू एम जी, है ना। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी बाई आपका ई हो जाएगा। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5.1 × 10^4। रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 10^3, 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर का वैल्यू कितना है, रेडियस आपका दिया हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट का रेडियस कितना है, 1 माइक्रोन, तो 10^-6 का पावर 3/5.1 × 10^4। यहाँ से आपको चार्ज निकल गया, और जब चार्ज निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें, फोर्स ऑन चार्ज, वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन इन मिलीकन आयल ड्रॉप एपरेटस इज फर्स्ट हेल्ड स्टेशनरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट कैरी, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस कैरी करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। तो चार्ज जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तो क्यू इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एन का वैल्यू निकालना है, मतलब क्यू बाई ई, ठीक है ना। मान लेते हैं क्यू का वैल्यू एक्स आ गया, एक्स कूलम, तो यहाँ पर रख देंगे एक्स बाई 1.6 × 10^-19। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसमें कैरी कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आप पढ़िए 2 बार 3 बार, उसके बाद उसको स्केच कीजिए कॉपी पर, तब जाके बनाइए न्यूमेरिकल्स। कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, वो आप इजीली बना सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और थ्योरी जो पढ़ाया जाता है उस पर प्रैक्टिस रखिए, न्यूमेरिकल्स में कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बोला स्मॉल स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ +6 μC, द स्फीयर इज सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक स्फीयर है जिसको सस्पेंड किया गया है क्या, स्ट्रिंग से, धागा से, ठीक है ना। सस्पेंडेड बाई स्ट्रिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 N/C एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये आपको निकालना है। व्हाट विल बी द टेंशन इफ चार्ज ऑन द स्फीयर वेयर -6 μC, अगर चार्ज को बदल दिया जाए तो फिर टेंशन क्या होगा। देखिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी को लटकाया गया स्ट्रिंग के सपोर्ट से, ठीक है ना। तो इस पर टेंशन जो लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, टेंशन हमेशा ऊपर की तरफ ही लगता है, ठीक है ना। ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास,
स्फीयर का मास कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, 10^-3 केजी, ठीक है ना। कैरीज अ चार्ज, जो चार्ज कैरी करता है वो कितना आपका दिया हुआ है +6 माइक्रोकुलम, मतलब 6×10^-6 कुलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 न्यूटन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 400 न्यूटन पर कुलम, ठीक है ना। एक्टिंग डाउनवर्ड्स, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन आपको निकालना है। देखिए इस बॉडी का मास दिया हुआ है तो वेट नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, टेंशन आपको निकालना है। तो इस पर एफ नेट जो होगा आपका वो 0 होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि टी माइनस एम जी माइनस एफ इक्वल टू क्या होगा, 0, मतलब टी इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी प्लस एफ, मतलब एम जी प्लस एफ, एफ का वैल्यू कितना होगा क्यू ई, ठीक है ना। मास ऑफ दिस बॉडी कितना है 10^-3, जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 10 ले लीजिए, 9.8 भी ले सकते हैं। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 6×10^-6, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 400 न्यूटन पर कूलम, ये वैल्यू आ जाएगा 10^-2, ये हो जाएगा आपका 6×10^-4, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1×10^-2 प्लस 0.06×10^-2 हो जाएगा, मतलब 1.06×10^-2 न्यूटन, ये आपका टेंशन इस बॉडी पर लगेगा, ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है क्या, व्हाट विल बी द टेंशन इफ चार्ज ऑन द स्फीयर वेयर -6 माइक्रोकुलम, अगर इस बॉडी में चार्ज को बदल दिया जाए, मतलब सेम बॉडी है आपका, जैसे ये बॉडी है आपका, चार्ज को बदल दिया गया है, मतलब चार्ज आपका क्या है माइनस सिक्स माइक्रोकुलम आपका चार्ज लग रहा है, ठीक है ना। मास सेम है, मास में कोई बदलाव नहीं आया है, 10^-3 के जी, टेंशन ऊपर की तरफ ही लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द टेंशन इफ द चार्ज ऑन द स्फीयर वेयर -6 माइक्रोकुलम, तो चार्ज जब नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा चार्ज नेगेटिव होने की वजह से। और यहाँ पर वेट जो होगा आपका एम जी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करें नेट फोर्स का, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि टी प्लस एफ माइनस एम जी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एफ। अब यहाँ वैल्यू निकालिएगा, मास ऑफ बॉडी कितना है 10^-3, जी का वैल्यू 10 है, एफ का वैल्यू क्यू ई, मतलब ये हो जाएगा 10^-2, क्यू का वैल्यू कितना है, तो ये 6×10^-6, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ई का वैल्यू सेम है, ई का वैल्यू आपका कितना है 400, ठीक है ना, 10^-2, ये हो जाएगा 6×10^-4, मतलब ये आ जाएगा 1×10^-2, ये हो जाएगा 0.06×10^-2, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.94×10^-2 न्यूटन, मतलब ये टेंशन हो जाएगा, दोनों केस में टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा गया है कई बार, और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है, ठीक है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको डाला जाएगा, कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ ऑप्शन दिया रहेगा, बाद बाकी सारा काम यही रहेगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस बनाते बनाते ऑटोमेटिक आपको बनाने आ जाएगा, और ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का टफ होता है, ये कहने के लिए है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप अगर रेगुलर वे में क्वेश्चंस बनाइएगा, थ्योरी पढ़िएगा, तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। अभी तक जो भी लेक्चर्स लिया गया है बहुत सिंपल वे में लिया गया है, और एकदम सिस्टमेटिक बताया गया है, एकदम जो सिलेबस है उसके हिसाब से बताया गया है, कोई भी अजूल फजूल बात नहीं बताया गया है। बहुत सारे लोग को देखते हैं कि इधर उधर की वीडियो डाल देते हैं, पढ़ा रहे हैं प्लस टू का लेक्चर डाल देते हैं, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन का, वो सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको पढ़ना है उसको पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेबस इतना बड़ा है कि आप पूरा जब पढ़िएगा तो लास्ट में जाके वो बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि आप इसी को नहीं सही से कर पाइएगा, एक्स्ट्रा अगर बताया जाए तो और आपके लिए बर्डन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा,
An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of value 2×10⁴ newton per coulomb. When the direction of electric field is reversed, a proton falls through the same distance. Compare the time of fall in each case. Contrast the situation with that of free fall under the gravity. बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में गिराया जाता है, फिर कुछ देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज किया जाता है और फिर प्रोटॉन को गिराया जाता है, तो दोनों को गिरने में जो टाइम लगता है उस टाइम को निकाल के बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। और आपको ग्रेविटी को नेग्लेजिबल लेके चलना है, ग्रेविटी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपका यहाँ पर जनरेट हो रहा है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपका है 2×10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को गिराया जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जिसको नीचे की तरफ गिराया जाता है फ्री फॉल, ठीक है ना। ये बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट से जब गिराया जाएगा तो यू का वैल्यू जीरो होगा, मतलब इनिशियल स्पीड जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है, चार्ज नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर बॉडी को नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, तो फोर्स जो इस पर लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स का वैल्यू कितना होगा, क्यू ई, ठीक है ना। अब देखिए इस बॉडी को जो गिराया गया है तो ये आपका डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते हैं कि डिस्टेंस आपका एस दिया हुआ है, ठीक है ना। एस डिस्टेंस को कवर कर रहा है ये, तो ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा, ये टाइम निकाल कर आपको बताना है, ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए इसमें एक्चुअली लॉज ऑफ मोशंस का भी यूज़ होगा, मोशंस काइनेमेटिक्स का थोड़ा यूज़ होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको टाइम निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, आप जानते हैं अगर कोई हाइट से बॉडी को गिराया जा रहा है, ठीक है ना, ग्रेविटी को नेग्लेजिबल लेना है, तो एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यू तो जीरो है, ए आपको नहीं दिया हुआ है, एस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, कि एस इसमें दिया है फर्स्ट, एस दिया हुआ है, एस का वैल्यू आपका कितना है, एस आपका दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका हो जाएगा 1×10⁻³ मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टाइम निकाल के बताना है, टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। तो फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इस पर फोर्स जो लगेगा एफ इक्वल टू क्यू ई, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, तो आप इलेक्ट्रॉन का मास अगर दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो आप ए का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, ई इक्वल टू क्यू ई बाई एम ई, ठीक है ना। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन है तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2×10⁻⁴, ठीक है ना, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आपका हो जाएगा 9.1×10⁻³¹ केजी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपका ए का वैल्यू आ जाएगा, मान लेते हैं ए का वैल्यू कुछ भी आ गया, मान लेते हैं कि ए का वैल्यू एम आ गया, ठीक है ना, एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एम नहीं मानिए, मान लेते हैं के मान लेते हैं, ठीक है ना, ए का वैल्यू कितना आ गया, के आ गया, ठीक है ना। अब देखिए एस इक्वल टू आपका है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है, 15×10⁻³, यू का वैल्यू जीरो होगा, टी प्लस 1/2 × a × t² यहाँ से आप, या एस का वैल्यू बाद में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से टी निकालिएगा तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2s/a अंडर रूट, है ना, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा टी का अंडर रूट 2×s। एस का वैल्यू कितना है, तो एस का वैल्यू आपका दिया हुआ है 15×10⁻³, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1.6×10⁻¹⁹, 2×10⁻⁴ बाई 9.1×10⁻³¹। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका टी का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, जो भी आएगा टी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि टी का वैल्यू आ गया आपका केस सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है, कि अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए और प्रोटॉन को जब गिराया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को जब आप चेंज करेंगे तो उस केस में वैल्यू जो आएगा टाइम का सेम इसी तरह से निकलेगा। और दोनों टाइम को देख के हम बता सकते हैं कि कौन टाइम ज़्यादा है, मतलब कौन बॉडी ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसमें भी आप निकाल लीजिएगा और दूसरे केस में भी निकाल लीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है अब पॉजिटिव ऊपर ले लेते हैं और नेगेटिव नीचे लेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। अब यहाँ से एक प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज को गिराया जा रहा है, ई प्लस को गिराया जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा सेम डायरेक्शन में लगेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। और ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है एस, सेम डिस्टेंस है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, 15 × 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। अब टाइम आपको निकाल के बताना है कि टाइम जो होगा T2 का वैल्यू क्या होगा, वहाँ T1 निकाल लेंगे, यहाँ T2 निकालेंगे, ठीक है ना। फिर जब बॉडी को गिराया जाएगा तो इनिशियली ये बॉडी क्या होगा, इनिशियली रेस्ट में होगा, इनिशियली बॉडी इज इन रेस्ट, रेस्ट में होगा तो U का वैल्यू 0 होगा, ठीक है ना। तो S इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से आप बोल सकते हैं S इक्वल टू 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, टी का वैल्यू जाएगा T2 हो जाएगा अंडर रूट 2S/A, फिर हमको ए निकालना पड़ेगा। तो फोर्स आपका जो है इस बॉडी पर, मुझे फोर्स लग रहा है QE, और बॉडी पर मास भी है तो मास इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, फोर्स हो जाता है। यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालेंगे तो QE/M हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ T2 में डाल देंगे इसको तो यह हो जाएगा आपका 2S/QE/M, ठीक है ना। इस तरह से यह आपका हो जाएगा 2S × M ऊपर चला जाएगा, यह आपका हो जाएगा QE, इस तरह से T2 निकल जाएगा, मतलब T2 का वैल्यू आएगा आपका अंडर रूट 2S, मतलब 2S, तो 2 × S का वैल्यू कितना है, 15 × 10⁻³, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻², ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁴, अब यहाँ से निकाल लीजिए, मान लेते हैं कि ये वैल्यू कुछ भी आ जाता है, मान लेते हैं Z सेकेंड आ जाता है। अब T1 और T2 जो भी आया है उसको कंपेयर कर लीजिए, पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस 4Q आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 6A ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, दो पॉजिटिव चार्ज को हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा गया है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, एक पॉजिटिव चार्ज है आपका Q1 = +Q और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है वो Q2 = +4Q है, ठीक है ना। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 6A है। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आपको निकाल के बताइए, लोकस का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जहाँ पर उसको आप सिस्टम्स को आप इक्विलिब्रियम में ला सकें, ठीक है ना, सिस्टम्स को डिफाइन कर सकें। लोकस आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़िएगा, अगर आपको लोकस के बारे में नहीं पता है तो फिर हम मैथमेटिकल टूल्स का क्लास लेंगे बहुत जल्दी, उसमें सारा चीज़ हम बताएंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में बताएंगे, लोकस के बारे में बताएंगे, वहाँ पर ग्राफ के बारे में बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट है लोकस, क्या एक पॉइंट है जो किसी भी इक्वेशंस को डिफाइन कर देता है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पर जो एक्स डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक्स डिस्टेंस पर Q1 से है तो Q2 से कितना हो जाएगा, 6A - X हो जाएगा। दिस इज द लोकस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जो होगा वो 0 होगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पर ई नेट क्या होगा, 0 होगा, द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें इसके वजह से
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा ई वन, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये ज़ीरो होगा, मतलब ई वन माइनस ई टू इक्वल टू ज़ीरो या ई टू माइनस ई वन इक्वल टू ज़ीरो, दोनों से कोई भी लिख सकते हैं, मतलब ई वन इक्वल टू ई टू हो जाएगा। अब यहाँ से आपका लोकस निकल जाएगा, ठीक है ना। ई वन, ई वन जो होगा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये के इंटू क्यू वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ई टू जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो के इंटू क्यू टू बाई सिक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। के से के कट जाएगा आपका, क्यू वन का वैल्यू क्यू दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर, क्यू टू का वैल्यू फोर क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सिक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से क्यू कट जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो सिक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा टू एक्स इक्वल टू सिक्स ए माइनस एक्स, ठीक है ना। तो टू एक्स, एक्स को इधर लाइएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू सिक्स ए हो जाएगा। थ्री एक्स इक्वल टू हो जाएगा सिक्स ए, एक्स का वैल्यू हो जाएगा सिक्स ए बाई थ्री, इसलिए कटेगा टू ए। मतलब आप कह सकते हैं कि लोकस जो होगा, लोकस ऑफ द गिवेन पॉइंट विच इज टू ए डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज क्यू वन एंड फोर ए डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज क्यू टू, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत टफ काम नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए बनने लगेगा। और अभी तक जो भी क्वेश्चंस कराया गया सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए और बुक से बनाइए। अब हमको नहीं लगता है कि एनसीईआरटी में किसी को दिक्कत होगा, एनसीईआरटी बुक खोलिए आप बना के देखिए, जहाँ तक पढ़ाई हुआ है वहाँ तक आपका इजीली बन जाएगा। और इसके बाद भी अगर नहीं बन रहा है तो थ्योरी को फिर से रिवाइज कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आप क्लास अगर कर रहे हैं ऑनलाइन कोई भी बच्चे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि रेगुलर आपको वीडियो मिलते ही रहेगा, और रेगुलर वीडियो देखिए, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखिएगा दूसरा नहीं देखिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, रेगुलर देखने से ही फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए।